निखिल। नमस्ते अंकल। आओ बैठो बैठो बैठो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं आए? वो अंकल, जब मैं छोटा था तब एक कार एक्सीडेंट में दोनों पंडित से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाती हूँ सगाई और शादी का। हाय करण बेटा, चल दिया। देख, यह है निखिल, इस घर के होने वाले दामाद। हाय चंदर। कौन चंदर? तुम्हारा नाम चंदर है, यह इसका पहला झूठ। दूसरा ये कि इसके माँ बाप मरे नहीं है, जिंदा है, भोपाल में। और क्या करता है तू, बताना सबको। डिस्कोटेक में गाने बजाता है। दारू और चरस इनके शौक है। अरे बेटा, हो सकता है इसकी कोई मजबूरी रही होगी। देखो 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 देखो, कनिका। क्या है? What the hell is this? आज की बात है, अगर तू मुझे स्वर्ण भवन में और मेरी बहन के आसपास भी दिखा ना, मैं तेरी जान ले लूंगा। पापा, अगर आपको मुझ पे और आबा पे एक पैसे का भी भरोसा है ना, तो कनिका की शादी इस घटिया आदमी से मत कराना। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है बेटे। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग कनिका, मैं तुम्हारी शादी एक गरीब अनाथ लड़की के साथ करवाने को तैयार हूँ, लेकिन एक फ्रॉड आदमी के साथ बिल्कुल नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? देख लिया मासी जी, आज एक बार फिर साबित हो गया, जीत सच्चाई की ही होती है। कनिका, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जी नहीं सकता हूँ तुम्हारे बिना। बस इसलिए था वो वीडियो। अगर तुम मुझे अब भी गलत समझती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें आज के बाद कभी फोन नहीं करूंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। बाय। अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो बस अपने पापा से वही कहना जो मैं तुझे बता रही हूं, ठीक है? ध्यान से सुन। यार ग्रेट मासी, कल ये बात सुनने के बाद आभा की शक्ल देखने लायक होगी। सुनिए ना, हम सोचे थे कनिका की शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि वो अभी जिस राह पर चल रही है, ऐसा ना हो कि वो कोई गलत कदम उठा ले। कोई अच्छा परिवार देखकर उसकी शादी करवा लेनी चाहिए। मेरे एक दोस्त है, मैं कल बात करता हूँ उससे। करण, बेकार में इनकी आदतें क्यों बिगाड़ रहे हैं आप? कैसे पेपर्स हैं विमल? पापा, ये तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है किसी की। कनिका जगमोहन प्रसाद। क्यों मार रहे हैं इसे? अरे ये तो खुद अपनी जान देने पर तुली बैठी है। ये देखिए,